बोलो संत कबीरदास जी महाराज की। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री बिशंबर वाल्मीकि जी, राज्यसभा के हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, राई से हमारे विधायक मोहनलाल बड़ोली जी, और आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के ओएसडी रहे आदरणीय अमरजीत सिंह जी, जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, हमारे जिला के अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार कविता जैन जी, और हमारे खिलाड़ियों के गौरव जिन्होंने बड़ौदा से चुनाव लड़ा, योगेश्वर दत्त जी, हमारी नगर परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती रजनी बिरमानी जी, उमेश शर्मा जी, पवन खरखोदा जी, और हमारे भूपेंद्र मलिक जी, अरविंदर दिलावर जी, अजय खुंडिया जी, सुरेश लाठ जी, जो हमारे धानक समाज के प्रधान हैं, और उप प्रधान सुरेश बड़ौता जी, महासचिव अनिल कुमार जी, कोषाध्यक्ष रवि खनगवाल जी, देवेंद्र कुमार जी, और हमारे जिन्होंने कबीर की वाणी को साक्षात अपने मुखारविंद से जो हम सब के सामने प्रस्तुत करते हैं, मैं ऐसे जो हमारे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं अनवर खान जी और उनकी पूरी टीम को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज कबीरदास जी के इस प्रकाश पर्व के अवसर पर भारी संख्या में आज दूर दराज से यहां पर पधारी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग युवा साथी, और मैं आज मुझे ये गर्व भी हो रहा है, मुझे खुशी भी हो रही है कि आज मैं अपने परिवारजनों के बीच में हूं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। गुरु रविदास जी महाराज के इस प्रकाश पर्व की 626वां प्रकाश पर्व है, और कबीर की वाणी को आज पूरी दुनिया अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ने का काम कर रही है। मैं आप सबको इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। संत कबीरदास जी महाराज, जिनका पूरा जीवन समाज में फैले हुए अंधविश्वास, जात पात और रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने के लिए जिन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है, आगे आकर के उनका विरोध किया है, त
मानवता की एक स्वच्छ समाज की परिकल्पना हो सके। ये कबीर दास जी महाराज का जो सोच थी, उस सोच को आज की हमारी सरकारें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार, उसको धरातल के ऊपर उतारने का लगातार प्रयास कर रही है। मुझे खुशी है कबीर दास जी की जो वाणी है, एक एक शब्द उनकी वाणी का हमें कुछ करने की प्रेरणा देता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कबीर दास जी महाराज की वाणी में उन्होंने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर। यह गुरु रविदास जी की ही वाणी है, यह गुरु रविदास जी की वो अमृत वाणी है जिसको हम अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, जो हमारी संस्कृति भी है, जो हमारे संस्कार भी हैं। वसुदेव कुटुंबकम, इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम एक संत कबीरदास जी महाराज ने भाइयों किया है। मुझे इस बात की खुशी है, मुझे ये भी खुशी है कि गुरु रविदास, हमारे कबीरदास जी महाराज जो सर्वधर्म संभाव के प्रतीक के रूप में जिनका जीवन रहा है, हमारे देश में विभिन्न संप्रदायों, जातियों और धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, उन सब के लिए संत कबीर दास जी का संदेश भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। इसलिए हमें मानवता से प्रेम करना चाहिए, हर मनुष्य हरि का ध्यान करके अपने हृदय को निर्मल कर ले तो वह भी हरिमय हो जाता है। कबीर दास जी ने कहा है, उनकी वाणी है कि कबीरा मन निर्मल गया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। यह कबीर दास जी की ही वाणी है, यह हमें संदेश देती है। परंतु जब मैं देखता हूं कबीर दास जी की इस वाणी को, कि समाज के अंदर जो हमारे महापुरुष हैं, आज इस प्रकार के भी लोग जो उन महापुरुषों को, आज मैं ये कहना चाहूंगा, दुर्भाग्य से आज भी महापुरुषों के नाम पर राजनीति स्वार्थ की एक ऐसी धारा खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, जो समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे राज